नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी फास्ट बना रहा हूं। बेसिकली सेल जो है बीबीडी वो लाइव हो चुकी है और यहां पर आईफोन 15 की डील जो है वो अभी भी लाइव है। मैं यहां पर जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूं 12:12 पे, ठीक है, और अभी भी यहाँ पर जो है आईफोन 15 की सेल लाइव है। हालांकि मैंने आईफोन बाय करने के लिए कोशिश की और मैंने बाय भी कर लिया था, लेकिन दोस्तों मुझे लेना नहीं था तो मैंने बस ट्राई किया, फिर मैंने ऑर्डर को कैंसिल भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती मतलब मैं अपने कार्ट में डाले रहा हूँ और आपको वहाँ पर जो है वो बाई करने का ऑप्शन ना मिल पाए, तो मैंने तुरंत उसको कैंसिल भी कर दिया था। बट यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी बात ये कि आईफोन 15 की जो सेल प्राइस आप कह सकते हो रखी गई थी 54,999 रुपीज़, बैंक ऑफर लगाने के बाद 2,000 रुपये का ऑफ मिल रहा था, एक्सचेंज ऑफर लगाने के बाद 3,000 रुपये का और ऑफ मिल रहा था, मतलब फाइनल सेल प्राइस 49,999 रुपीज़ रखी गई थी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने एक्सचेंज भी किया हो और बैंक ऑफर भी वगैरह भी लगा लिया हो, लेकिन अगर हम इन ऑफर की बात ना करें तो जो सेल प्राइस आई थी 54,999 रुपीज़ वो दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो है वो शो हो रही है। मतलब मैं 12:12 पे शूटिंग कर रहा हूँ लगभग और अभी भी प्राइसिंग जो है वो बढ़ाई नहीं गई, तो मुझे अब की बार सेल में ये बहुत अच्छा लगा कि यूनिट्स अब की बार हमको लगता है कि इनके पास स्टॉक्स भी हैं और इन्होंने अब की बार जो है वो काफ़ी देर तक आप कह सकते हो लोगों को मतलब दिख रहा है, मुझे अभी भी यहाँ पर जो है वो दिख रहा है 54,000। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी जो है वो प्राइस मुझे 54,999 रुपीज़ ही दिखा रहा है। इट्स मीन दैट कि अब की इनके पास जो है वो स्टॉक्स बहुत हैं, मतलब स्टॉक्स अब की बार है और अभी तक प्राइजेज यहाँ पर नहीं बढ़ाए गए हैं। हो सकता है कुछ कुछ जगहों पर जो है वो प्राइजेज बढ़े हुए भी दिख रहे हो, लेकिन अभी मेरे लखनऊ मतलब मैं मोहलालगंज में रहता हूँ, मुझे तो यहाँ पर प्राइजिंग बिल्कुल सही दिख रही है। जो सेल प्राइस है वही प्राइसिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है डिस्काउंट वाली, तो अच्छी बात यह कि अगर मैं इसमें अभी यहाँ पर जो है बैंक ऑफर लगा लेता हूँ और बैंक ऑफर ही मतलब लगा लूँ तो मुझे यहाँ पर जो है वो 2,000 रुपये ऑफ मिल जाएगा, तो मुझे और फ़ोन सस्ता पड़ जाएगा। एक्सचेंज वगैरह लगा लूँ तो यहाँ पर जो है वहाँ पर और भी मुझे जो है वो ऑफ मिल सकता है, तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा फ्लिपकार्ट का अब की बार। और अभी तक तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ नहीं है, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि यार आउट ऑफ स्टॉक दिखाए। अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ, अब यहाँ पर जो सेल में प्राइस दिखा रहा है वो यहाँ पर 500 रुपये बढ़ चुका है। मतलब मैंने पहले कहा था कि अब जब सेल थोड़ा सा टाइम हो जाएगा लाइव हुए तो आईफोन के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो 500 रुपये बढ़ गया है। सेल प्राइस आई थी 54,999 रुपीज़ और अब यहाँ पर जो है फ़ोन मिल रहा है 55,499 रुपीज़, मतलब 500 रुपीज़ बढ़ा। अब ये अमाउंट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बढ़ता ही जाएगा, अभी 1,000 और बढ़ जाएगा, फिर 2,000 बढ़ जाएगा, इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा और थोड़ी देर बाद आउट ऑफ स्टॉक दिखा दिया जाएगा। मतलब जितने लोग सस्ते में ले पाए, जितने लोग उससे महंगे पे ले पाए, जितने लोग थोड़ा और महंगे पे ले पाए, मतलब फ्लिपकार्ट तो भाई प्रॉफिट बनाएगा ना अपना, तो इस तरीके से यहां पर जो है वो कुछ यूनिट्स निकाले जाएंगे, कुछ यूनिट्स सस्ते में निकाले, कुछ यूनिट थोड़ा महंगा करके निकालेंगे, कुछ यूनिट्स थोड़ा सा और महंगा करके निकालेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपने आखिर में डील जो है वो कितने रुपए में ग्रैब कर ली, 54,999 रुपीज़ सेल प्राइस में या एक्सचेंज ऑफर करके आपने ग्रैब किया या बैंक ऑफर लगा के ग्रैब किया या दोनों लगा के आपने सीधे 50,000 में प्राप्त कर लिया, बताइएगा कमेंट करके, या फिर आपने जो प्राइसेस बढ़ गए उतने में मतलब ग्रैब किया, प्लीज कमेंट करके जरूर आएगा। हालांकि अभी तक यहां पर जो है वो इनके पास यूनिट्स है, मैं शूट कर रहा हूं 12:19 हो रहा है, अभी तक इनके पास यूनिट है, तो अब की बार फ्लिपकार्ट को थोड़ा सा मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पिछली बार जब मैं सेल में खरीद रहा था आईफोन अपना तो मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर मौका नहीं मिला था, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो आप कमेंट करते हैं कि दोस्तों आपने ऑर्डर कर लिया अभी तक या नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि अब की बार फ्लिपकार्ट पर यूनिट ज़्यादा है और आप ऑर्डर कर पाया नहीं, और आपने अगर करा है ऑर्डर तो कितने रुपये में ग्रैब किया है डील को, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना से वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।